हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक न्यू अनदर ब्लॉग। मैं पूजा आप सबको एक न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज है गुरुवार, गुरुवार मॉर्निंग का ब्लॉग है ये। और शुक्रवार को जाएगा बाबू स्कूल, तो उसका जो स्कूल का जूता था सारा धो रही हूँ, क्योंकि बाहर में पड़ा था, जितना हवा चल रहा था, तूफान आया था, तो फिर उसमें धूल डस्ट में भर गया है। काफ़ी दिन स्कूल छुट्टी था, अंदर भी नहीं रखी थी, बाहर में जो सूरैक था उसी में रख दी थी, और उसके बाद पूरा गंदा हो गया, अंदर रखना भूल गई थी। फ्रेंड्स, आज गुरुवार है, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा काम है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा काम मिल गया। ऐसे ना, बाबू का 2-3 दिन से ज़्यादा स्कूल स्टार्ट हो गया है, बाबू जा नहीं रहा था, क्योंकि गर्मी की वजह से कोई भी बच्चे नहीं जा रहा था। बस स्कूल चालू हुआ था, लेकिन कोई बच्चे जा नहीं रहा था, इसी वजह से बाबू को भी नहीं भेज रही थी, और ऊपर से इतना गर्मी था, इसी वजह से उन्हें भेज रही थी। और ऐसे भी सबका क्लास अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, 9 से लेके 12 तक का ही क्लास स्टार्ट हुआ है, बाकी जो बच्चे लोगों का क्लास है अभी छुट्टी है, उन लोगों का सबका 15 तारीख के बाद ही खुलेगा। तो इसीलिए ना बाबू नहीं जा रहा था, उसका जो दोस्त है वो भी नहीं जा रहा था, तो फिर सोचा कितना दिन तक नहीं जाएगा, 4-5 दिन हो गया है स्कूल चालू हुआ, 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था क्लास, तो कोई भी बच्चे जा नहीं रहा था, अभी धीरे धीरे करके सब जा रहा था। तो फिर बोला तू जाके देगा, अगर ऐसे भी तो गर्मी तो रहेगा गर्मी का टाइम पे, तो इसीलिए बाबू जाएगा कल स्कूल। तो अभी जूता को धो रही हूँ, इसका सुखा के, फिर उसके बाद ना बाबू का जो भी ड्रेस वगैरह है सारा तो ऐसे ही ड्रॉर में रखी हूँ, उसको धो के उसके बाद फिर देखना पड़ेगा, उसको भी धोना पड़ेगा क्या, फिर धो के हर चीज़ को, बाबू का जो बैग है हर चीज़ एकदम आज साफ सफाई करना पड़ेगा। और ये है पैरदान है, इसको मैं थोड़ा सा सर्फ पानी में डुबा के रखी थी, तो इसको भी धो ले रही हूँ। तो गाइस देखिए, मैं नहा के आ गई हूँ यहाँ पे मूंगा भाजी तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं क्या बनाऊँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए ना थोड़ा सा आई हूँ। और मूंगा भाजी को बहुत दिन से देख रही थी, तोड़ के बनाऊँगी बनाऊँगी करके ना नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज सोचा चलो सब्जी क्या बनाऊँगी जब सोच नहीं पा रही हूँ तो बना देखा जाए नीमा, तो इसीलिए तोड़ रही हूँ। और बाबू थोड़ा सा कैमरा कर रहा था, और इतना हरा हरा मस्त एकदम मूंगा भाजी है, क्या ही बताऊँ। सो गाइस देखिए, मैंने तोड़ के सारा फिर गेट के सामने बैठ गई हूँ यहाँ पे भाजी को छांटने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था, तो इसीलिए सारा को तोड़ के छांट ले रही हूँ, उसके बाद छोटा छोटा करके काट के फिर जाऊँगी बनाने के लिए अंदर में। आज मॉर्निंग का बज रहा है अभी 10 बज रहा है, और 10 या 9:30 बज रहा होगा, मुझे उतना याद नहीं था, और उतना टाइम फिर मैं नहा के रेडी हो चुकी थी और पूजा वगैरह करना था। और आज मतलब मुझे अपने मम्मी पापा जो है गांव गए हैं, तो सबके लिए खाना बनाना भी पड़ता है, अभी 4-5 दिन से बना रही हूँ, तो इसी वजह से काम रहता है, तो हर चीज़ तैयार नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, मैंने सब भाजी जो है सारा को छांट लिया है, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और एक बात है, मैं ना आज नाश्ता करना भूल गई थी, तो मुझे किसी ने पूछा था नाश्ता किए, तो फिर उसके बाद मुझे याद आया, हाँ मैं तो नाश्ता करना भूल गई हूँ। उसके बाद फिर बनाई हूँ चाय, और अभी बज रहा है 11 बज चुका था। और यहाँ पे देखिए, मैंने जो लंच बनाना स्टार्ट भी कर दिया था, तो फिर मुझे याद आया मैं नाश्ता नहीं की थी, तो इसीलिए क्या खाऊँगी, तो चाय बनाई हूँ और 2 ब्रेड है उसको ली हूँ, इसी के साथ खाऊँगी। और ऐसे भी आज नाश्ते में बना था, ओट्स बनाई थी, और जो चना को भिगा के रखे थे तो उसी को मसाला के साथ फ्राई की थी, तो बाबू और मेरा हस्बैंड वो दोनों उसी को खा लिया है, और मैं नहीं खाई थी, इसीलिए चाय और ब्रेड खा रही हूँ। तो देखिए, लंच में बनाई हूँ पत्ता गोभी का सब्जी, भिंडी का भुजिया, और वो जो भाजी तोरी थी उसको भी बनाई हूँ, और साथ में बना है दाल। सो लंच कम्प्लीट हो गया है, और डायरेक्ट मिलते हैं इवनिंग में। किया अभी शाम के बज रहा है वही 7 बज रहा है, और मेरी बहन को अभी लेने आई हूँ, क्योंकि वो काम से जा रहा था, तो थोड़ा सा काम से घर वापस आ रहा था, तो उसी टाइम एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी को लेने के लिए हम आए थे। तो थोड़ा सा वीडियो क्लिप ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ, क्योंकि ऐसे भी मूड ऑफ है, एक्सीडेंट हुआ था। सो उसका जो स्कूटी था उसको शोरूम में छोड़ दिए है, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं वापस घर। और जो स्कूटी जब था ना, तो उस टाइम का वीडियो नहीं ली थी, क्योंकि सबका मूड ऑफ था। और यहाँ पे देखिए, मेरे बहन को लेके आई हूँ डॉक्टर के पास, तो उसको थोड़ा बहुत चोट लगा है, तो हम हॉस्पिटल में है, और एक सुई भी लगा है और कुछ मेडिसिन भी दिया है।
बना रही थी तो मेरा बहन हंस रही थी कि तुमको दुख भी नहीं लग रहा करके, तो फिर मैंने बोला कि इस चीज़ का दुख है। और ये नेक्स्ट डे है और आज शुक्रवार मॉर्निंग का ब्लॉग है ये। मैं घर में पोछा लगा रही थी और मेरा पैर में इतना ज़ोर से चोट लगा है क्या ही बताओ, इसीलिए सुबह सुबह बर्फ़ निकाल के उससे मसाज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो एरी है इसमें इतना ज़ोर लगा है, मैं खड़ा मेरे से हुआ नहीं जा रहा था और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा बर्फ़ लगा रही थी। और उसके बाद थोड़ा सा आराम मिला तो स्टार्ट कर दी फिर से, जो पोछा लगाना बचा था वहीं पे लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा जो आंगन है इसको थोड़ा सा धो लूँगी।